मॉर्निंग और आज है, क्या है आज? पता नहीं कौन सा दिन है आज, मुझे नहीं याद है डेट्स और डेज। मेरे को याद कितनी बार ऐसा होता है कि मंडे होता है और मैं विक्की को बोलती हूँ कि आज सैटरडे है ना, कल अपन ये करेंगे, तो क्या तो पागल हो गई हो, आज मंडे है। तो डेट्स और डेज मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा है अभी क्या चल रहा है, और अभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं फटाक से देख लूँ। नेवर माइंड, जो भी दिन है, जो कल दिन था उसका नेक्स्ट डे आज है। जो मेरा पिंपल था जो कल हुआ था, ये पूरा फ्लैट हो चुका है, हल्का सा रेड मार्क है, बट वो जो बम्पीनेस थी ना वो पूरा फ्लैट हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लगाया था कल रात में। मैंने ये लगाई थी डर्माको की, डर्माको का AHA BHA, अमेजिंग है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कहाँ मिलेगा, डर्माको वाली जो क्रीम होती है ये कहाँ मिलती है। तो बेसिकली डर्माको की वेबसाइट पे ही मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब ये नायका वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। कल जो मैंने प्लांट्स का काम किया था उसमें मैंने पता है क्या किया है, अभी ये थोड़े गंदे हो रहे हैं क्योंकि सब में मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो ये ऊपर हैंगिंग है, उसके ऊपर ही मैंने नीचे ये हैंगिंग लगा दिया ताकि इसका जो पानी है जब मैं डालूं तो वो यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है, और इसका जो पानी है वो इसमें जाता है, तो इससे ये ऐसे थ्री वेज कनेक्टेड रहता है क्योंकि काफ़ी बड़ा सा पॉट है, इसमें दो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। तो उसके बाद ये जो है इसको मैंने रस्सी, ये दिख रही है आपको, रोप मैंने लगाई है खुद से, ये लगा के हैंग किया है। देन ये एक ऐसी बॉटल था हमारे पास, इसमें हमने तुलसी जी लगाई है और यहाँ पर हमने होल किया है एंड यहाँ पर भी होल किया है, और इसको मैंने तार की हेल्प से, जो ये वाला तार होता है ना, इसको मैंने बांध बूंद यहाँ पे अटका दिया है। तो इसका पानी डायरेक्ट यहाँ जाता है, इसका पानी यहाँ जाता है, तो इसमें मुझे अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं के पानी इसमें आराम से चला जाएगा। मोस्टली जो प्लांट्स हैं उसे ऊपर कर दिए, इसलिए यहाँ पर जगह पूरी खाली हो गई है। यहाँ पर ये कुछ वेजीज आई हैं, तो ये धनिया लेकर के आए हैं काफ़ी सारा, और इसको तोड़ करके साफ करके रखेंगे अभी। ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, ये वाला ज़्यादा चॉकलेट पाउडर इसमें डाला हुआ है, इसमें कम चॉकलेट पाउडर है, विक्की का है, ये मेरा है, ये ब्रेड्स मेरा है, ये विक्की का है, देन एक एक प्लेट हम दोनों का है, एंड ये हमारा ब्रेकफास्ट है। तो मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो आज मैंने अपना साइलेंट ब्लॉग अपलोड किया है, तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रही थी ऐसा बनाने का, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करना चाह रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा थॉट था कि इट माइट बी पॉसिबल कि लोगों को पसंद ना आए, बट हाँ मुझे ये पता था कि लोग नेगेटिव तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे, दे विल लाइक ऐसा बोलेंगे कि हमको ये पसंद नहीं आया आपको, क्योंकि बहुत इंडिया में साइलेंट व्लॉग्स का कल्चर बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बट बाहर बहुत चलता है ये, बहुत पीसफुल सूदिंग, तो वैसा होता है जनरली। कभी कभी मैं पूरा लाइट वाइट बंद करके डिम लाइट लगा के साइलेंट व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं कभी कभी, सूदिंग सा, हर टाइम नहीं मैं बोलूँगी कि समटाइम्स मैं बोर भी हो जाती हूँ, बट समटाइम्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरा मन था एक एक्सपेरिमेंट करने का, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 50-50 लोगों का रिव्यू आया है, किसी ने भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। कुछ लोगों ने एकदम ब्लंटली लिख दिया है कि वी डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ ब्लॉग, आप जैसे बनाते आ रहे हो वैसे ही बनाओ, और कुछ ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं कि आप साइलेंट ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें सूदिंग सा अपना वॉइस धीमा धीमा आप ऐड कर सकते हो, वो एक अच्छा तरीका है, वो मुझे सही लगा। और कुछ ने तारीफ, 50% लोगों ने तारीफ करी है कि हाँ, मतलब एक मोनोटोनस रूटीन से ये एक अच्छा ट्राई था, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे इस ब्लॉग को एडिट करने में, जो नॉर्मल ब्लॉग्स बनाती हूँ ये जो चटर पटर वाले, एंड हाँ, और एक और सबसे मज़ेदार एक कॉमेंट बताती हूँ मैं आपको, श्रुति कुलकर्णी ने मुझे कमेंट किया है, क्योंकि सब ने मुझे लिख करके भेजा है कि वी आर मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ मिसिंग थी इसमें, तो उसने मुझे कमेंट किया श्रुति ने, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, मैं उसको लिख के भेजा हाँ। तो एक्चुअली मैं, यार मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे जनरली लोग बोलते हैं मैं बहुत फटापास हूँ, मैं बहुत तेज़ और मेरा बोल्ड वॉइस है ना, तो लोगों को लगता है कि, और मुझे नहीं पता था कि लोग अगर मैं साइलेंट ब्लॉग डालूंगी तो लोग मेरी वॉइस को मिस करेंगे, इमेजिन। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ तो मैं ये बता रही थी कि जो नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं एक दिन में, मैं अगर जैसे सपोज, वैसे तो मैं काम करने 2 बजे तक बैठती हूँ, 1 बजे तक मेरा हो ही नहीं पाता है क्योंकि मैं बाकी के कामों में बहुत बिजी रहती हूँ, लाइक
खाना बनाना, क्लीनिंग, डस्टिंग, ढिमका फलाना, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो मेरा 2 बजे मैं यूजुअली काम करने बैठती हूँ, या समटाइम्स मैं 1 बजे भी बैठ जाती हूँ खाना वाना खाने के बाद ही, लेकिन मैं बैठती हूँ। तो अगर मैं 1 बजे बैठी हूँ ब्लॉग एडिट करने, तो मैं आराम से 8 बजे तक मैं 2 ब्लॉग बड़े वाले जो होते हैं 15 से 16 मिनट वाले ब्लॉग्स आराम से एडिट कर देती हूँ 2। इस वीडियो को एडिट करने में आप बिलीव नहीं करोगे मुझे 2 दिन लगे हैं। जो जहाँ मैं 4 वीडियो एडिट कर सकती थी वहाँ मुझे सिर्फ 1 वीडियो एडिट करने में लगा, क्योंकि उसको एफर्ट्स थे उस वीडियो में। ऊपर से उसको शूट करने में भी, कैमरे को सेट करना, बार बार ऊपर नीचे करना, छोटे छोटे एंगल्स कैप्चर करना, तो ये साइलेंट ब्लॉग्स जो भी बनाता है ना उसको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने वो एफर्ट्स देखे भी, उन्होंने लिखा भी कि उनको पसंद आया, दिख रहा है, शायद वो या तो यूट्यूब वाले होंगे। आज इज सैटरडे, तो एक्चुअली आज मैं जैसी सुबह उठी तो कल मैंने विक्की से बोला था कि प्लीज अब तो मुझे फ्रेंच फ्राइज खिला दो अच्छे बना करके। तो विक्की ने फ्रेंच फ्राइज तो नहीं बनाए, बट सरप्राइजिंगली उसने कुछ और चीज़ की तैयारी करी जिसकी खुशबू मुझे आ गई थी। उस खुशबू से ही मैं सो करके उठी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि विक्की क्या बना रहा है। तो आज विक्की बना रहा है समोसे फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे घर में समोसे बनेंगे। मैंने इस बार क्वारंटीन में सोचा था कि मैं समोसे बनाऊंगी, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है और मुझे लगा कि कहीं बिगड़ ना जाए एंड ऑल दैट। हम दोनों को ऑल्सो समोसे बहुत पसंद है, तो लेकिन विक्की आज बना रहा है। उसने काफ़ी अच्छा डो और मसाला दोनों प्रिपेयर करके रख लिया जब मैं सोकर के उठी थी। अभी सिर्फ तलने वाला प्रोसेस हो रखा है, और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन रहे हैं। तो ये जो रेसिपी फॉलो करी है विक्की ने वो है शेफ रणवीर ब्रार की, बहुत ही सिंपल सी थी। आलू का मसाला विक्की ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा सा बनाया क्योंकि ट्राई करने के लिए बनता है कि नहीं बनता है। और यहाँ पर मैदे का डो बना करके उसको प्रॉपर बेल करके एंड कट वट कर दिया है, और ये जो वो शेप वेप में करना होता है एंड देन फिर उसकी फिलिंग करनी होती है वो आप देखो, सिर्फ इतना ही मसाला है। मतलब ये एक कटोरी में जो मसाला है इतना ही मसाला है। तो ऑलमोस्ट हमारे 6 समोसे बन गए थे जितने साइज़ के विक्की ने बनाए हैं। परफेक्ट समोसे का जो शेप है वो आ चुका है। तो 2 अभी बना लिए हैं, अब हम लोग इसको फ्राई करके पहले देख रहे हैं आगे फर्दर है ढोने से पहले, क्योंकि पता चला फट जाए या कुछ हो जाए। एंड ये बहुत अमेजिंग बने थे। कैसा लग रहा है आपको समोसा बना के? बहुत अच्छा है, क्योंकि समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो बिल्कुल अच्छा तरीके से खस्ता भी है और मजेदार है, कितना परफेक्ट बन रहा है। हाँ, मतलब इसमें ब्लिस्टर्स तक नहीं है समोसे में। और क्या सही सीखा है? हमारे लुड़कू समोसे हैं पर बने परफेक्ट हैं। बने परफेक्ट हैं, इनको बस सपोर्ट की जरूरत है एक दूसरे के, क्योंकि ये आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे। ये आत्मनिर्भर नहीं है। दिस इज़ द समोसा चाट जो हम लोगों ने बनाई है। इसमें दही, केचप, इमली की चटनी और अनियंस और ये आलू भुजिया डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। हाय गाइस, तो समोसा खाने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर मैं उठी, 1.5 घंटा सोए हम लोग। एंड देन फिर उठ करके क्योंकि बहुत हैवी हो गया था, बहुत सारे मुझे लग रहा था कि भूख लगेगी, खाना बड़ा, मैंने खाना स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, बिकॉज वो बहुत हैवी हो गया था। और आज अभी मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, बहुत ही सिंपल से बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ईजी सा, जो जनरली आई थिंक ब्रेड पिज़्ज़ा में भी आप वैसे ही बनाते हो एंड नॉर्मल पिज़्ज़ा में भी जो बेस पिज़्ज़ा होता है मैदा वाला वैसे ही बनाते हो। तो बेस मैं लेकर के आई थी बाहर से, आई नो, बट मैंने घर पर नहीं बनाया क्योंकि घर पर बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है, तब पेशेंस मेरे अंदर है नहीं और मैं दूसरे कामों पर काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो मैंने बोला ना मैं लॉन्ग चीज़ें वाली चीज़ें नहीं बनाती हूँ, तो बेस मैं मार्केट से लेकर के आई थी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अनियंस चॉप करे हैं, उसके बाद शिमला मिर्ची ग्रीन वाली एंड शिमला मिर्ची येलो वाली, ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ। टमाटो भी मैंने यूज़ किया है एंड साथ ही साथ कॉर्न्स मैंने यूज़ किया है, जो आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो मार्केट वाला पिज़्ज़ा बेस है वो मैंने लिया है, और उसके ऊपर मैं ये वीबा का पिज़्ज़ा एंड सैंडविच स्प्रेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो कैचअप जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही यूज़ करें। एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पर चीज़ को प्रॉपरली स्लाइसिंग करने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे पास जो चीज़ होता है मोज़रेला चीज़ अवेलेबल नहीं था, नॉर्मल वाला चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर सारे जो वेजीज़ हैं वो आप अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, जैसे आपको रखना है आप वैसे बना सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं 2 मेथड बताने वाली हूँ, एक तो गैस वाला मतलब तवे पे और दूसरा माइक्रोवेव वाला, दोनों बना के देखूँगी कि कौन सा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो और यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ मैंने ऐड कर दिया है और ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब मैं रखने वाली हूँ गैस के ऊपर। ये अब जो एक और पिज़्ज़ा बेस है उसको मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, एक मैंने गैस पे रख दिया है और दूसरा जो है वो मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। हमारा सेकेंड पिज़्ज़ा जो है वो इसके अंदर जाएगा।
ये हमारा पिज्जा रेडी है, गरम है। तवे वाला ज्यादा टेस्टी था कि माइक्रोवेव वाला? तवे वाला। क्यों? ठीक है, तवे वाला ज्यादा टेस्टी है, मतलब मैं चपके देख। रात को 11 बजे विक्की के अंदर का शेफ इतना ज्यादा एक्टिव है कि विक्की पता नहीं कौन सी सुबह नहीं बनाना चाह रहा मैं इसके लिए चटनी बना रहा है, इमेजिन। और मुझे बता भी नहीं ना क्या चटनी है। तो हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो लिए हैं टमाटो, अनियंस, जिंजर, सूखी लाल मिर्ची, फिर ये है उड़द दाल, यस दिस इज उड़द दाल, एंड ये है राई। उसके बाद यहाँ पर बन रहा है चटनी। ऑयल गरम होने के बाद जो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ डाली है वो है राई, और राई जब थोड़ी सी गरम हो जाए उसके बाद यहाँ पर डाला है उड़द की दाल, एंड साथ में डाली है करी लीव्स, और उसके बाद जिंजर डाल दिया है, एंड हरी जो लाल मिर्ची है सॉरी वो डाल दिया है, देन अनियंस एंड टमाटो डाल दिया है। इसको अच्छे से पकने देना है, कुक करना है, इसको प्रॉपरली कवर कर दीजिए। एंड देन इसमें सिर्फ दो चीज़ें डाली हुई हैं, एक तो लाल मिर्ची डाली हुई है और दूसरा इसमें जैगरी पाउडर डाला हुआ है, दैट्स इट। इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है, अगर आप सॉल्ट ऐड तो आपकी 3-4 दिन नहीं चलती है ऐसा। और इसको आपको मिक्सी में पेस्ट बना लेना है, दैट्स इट, आपकी चटनी रेडी है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरे घर पे इस तरह की छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं मुझे इनका नाम नहीं पता है, बट ये आती हैं डेली, सुबह आती हैं और 3-4 इनका ग्रुप है वो आता है एंड पानी पीता है एंड एटलीस्ट आधा घंटा हमारे यहाँ पे खेलता है। एंड आज विक्की कुछ नई चीज़ बनाने वाला है फिर से। आधा कप बराबर सूजी ली है, इसको हम यहाँ डाल देंगे। अब जितनी सूजी है उतना ही आपको लेना है आटा, चावल का आटा, ठीक है। इतने मेजरमेंट से कौन बनाता है खाना? ये देखिए बिल्कुल फाइन कर लिया है मैंने चावल का भी आटा, है ना। ये चावल के आटे को हमने इसमें डाल दिया, उतना ही मेजर का है जितना मैंने सूजी लिया है। ओके, तो पूरा डाल दो फिर। नहीं, इतना स्टाइल मार मार के क्यों डालना है? इसका आधा मेजरमेंट का मैदा जाएगा। ओ, मैं समझ गई क्या बना रहे हो। रबर डोसा बन रहा है। ओ माय गॉश, जीरा, जीरा, जीरा नहीं जीरा, 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 बोलो जी, जी, रा, रा, जीरा, जीरा, ठीक है। अब हम यहाँ धीमी गति के समाचार, क्या खराबी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें फाइनली चॉप करना है, तो मैं चॉप करने का टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। और ये कल वाली चटनी है जो कि बहुत यमी लग रही है। ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है एंड ये परफेक्ट है 10 मिनट रखने के बाद। ये चॉप्ड प्याज, ठीक है, ये थोड़ा बारीक हो गया, इससे थोड़ा कम, इससे ज़्यादा साइज का रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा बारीक कर दिया है इसको। जाली बनाना है? जाली बनाने में नहीं, ये थोड़ा फोल्ड करने में मदद करेगा। अब हम इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे डालते जाएंगे। वाह, ये देखिए। ये अगर विक्की कुछ गलत बता रहा है ना तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, विक्की भी कॉमेंट्स पढ़ता है सारे वीडियोज़ के, अगर विक्की उसमें है तो आप बता रहा कि इसने क्या गड़बड़ किया है। Now let's see कि ये क्या बना है। ये है रवा डोसा, थोड़ा मोटा है लेकिन अच्छा है। रवा डोसा, ये दो अलग अलग है कि एक को ही तोड़ा है? ये एक को तोड़ो करके लाया। ओके, तो मैं इसका बाइट लेती हूँ। दो खाके देखो, थोड़ा चटनी ज्यादा लगा है एंड चटनी का टेस्ट है, क्योंकि चटनी अल्टीमेट बनी है। नहीं, तीखी है वो, वैसे ही तीखी ही चाहिए, चटपटी है ये, फीकी है। हाँ, कॉम्बिनेशन में दोनों परफेक्ट है। यहीं पर फिनिश करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। टिल देन बाय, से बाय।